हेलो डियर्स, क्वेश्चन है द मटेरियल विच एग्जिबिट्स सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस आर कॉल्ड, इसके ऑप्शंस दिए हैं ए होमोजेनियस, बी इन इलास्टिक, सी आइसोट्रॉपिक एंड डी आइसोट्रॉपिक। वह मटेरियल कौन सा मटेरियल है या फिर उस मटेरियल को क्या कहते हैं जो ऑल डायरेक्शंस में सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी को दर्शाता है, उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी किसी भी डायरेक्शन में ऑल डायरेक्शन में सेम रहता है, उस मटेरियल को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन जेई 2017 का है, एसएससी जेई 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन है जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है ये। इसे सॉल्व करने के लिए हमें चारों ऑप्शंस को समझना होगा। पहले ऑप्शन ए दिया हुआ है होमोजीनियस। होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है कि किसी अगर कोई मटेरियल, ठीक है, अगर कोई मटेरियल यहां देखिए, मान लीजिए ये मटेरियल, ठीक है, तो होमोजीनियस के कंडीशन में, होमोजेनियस के कंडीशन में क्या होता है, होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक दोनों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। सो इसे समझ लीजिए कि होमोजेनियस के कंडीशन में क्या होता है कि उस मटेरियल का पॉइंट के अलोंग, ठीक है, पॉइंट के अलोंग उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होता है, यानी कि इसको कह सकते हैं द मटेरियल विच एग्जिबिट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल पॉइंट्स, इन ऑल पॉइंट एट ए गिवन डायरेक्शन। अगर मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है, ये मटेरियल है, होमोजीनियस मटेरियल है, तो यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, तो इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन इस ओर है, ठीक है, इसका डायरेक्शन इस ओर है, तो इस डायरेक्शन में यह दिया हुआ डायरेक्शन है जो हमने डायरेक्शन दिया, सो इसका डायरेक्शन इस ओर है, तो इस पॉइंट पे इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होगा, ई होगा। फिर यहां भी हम अगर पॉइंट लेंगे तो इस डायरेक्शन में इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी ई ही होगा। फिर यहां भी हम इसका लेंगे, ये पॉइंट बी ले लेते हैं, ये पॉइंट सी, तो यहां भी हमारा इलास्टिक प्रॉपर्टी ई ही होगा। तो इसको हम कहते हैं होमोजेनियस मटेरियल। ए मटेरियल विच एग्जिबिट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, विच एग्जिबिट्स सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज इन ऑल पॉइंट्स या फिर एनी पॉइंट्स, यहां एनी भी कह सकते हैं, एट एनी पॉइंट, इन एनी पॉइंट एट ए गिवन डायरेक्शन। सो ये हमारा होता है होमोजेनियस मटेरियल का कंडीशन। इन इलास्टिक मटेरियल को हम जनरली प्लास्टिक मटेरियल भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, अगर किसी मटेरियल पे हम फोर्स लगाते हैं, ये मटेरियल है, इस पे हम फोर्स लगाते हैं, तो इस मटेरियल में, ये हमने पुल फोर्स यहां पे लगाया है, तो इस मटेरियल में क्या होगा, इसका लेंथ अगर एल है तो इसका एलोंगेशन होगा, इस मटेरियल का एलोंगेशन हुआ अगर डेल एल, ये इस मटेरियल का लेंथ एल है तो इसका एलोंगेशन क्या हुआ, डेल एल हुआ, ठीक है, जब फोर्स लगाते हैं। लेकिन जब फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो वह अपने साइज को कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाता है, तो इस टाइप के मटेरियल को कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल, यानी कि ये इनइलास्टिक मटेरियल के कैटेगरी में आ गया। सो द मटेरियल विच डू नॉट कंप्लीटली रिगेन completely regain
आवर शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, या फिर इसके जगह पे आप कह सकते हैं और कंप्लीटली डू नॉट कंप्लीटली रिगेन आवर ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन और ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, वह मटेरियल अपने शेप और साइज को या फिर अपने ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाता है, तो इस टाइप के मटेरियल को इनइलास्टिक मटेरियल कहते हैं। ऑप्शन डी यहां पे पहले देख लीजिए, ऑप्शन डी ऐसा कोई मटेरियल नहीं है, ये एक प्रोसेस होता है, आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस, ये प्रोसेस होता है, इसके दौरान यहां पे हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, यानी कि जो हीट का ट्रांसफर है यहां पे dQ equals to जीरो रहता है, इस प्रोसेस के दौरान हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, आइसेंट्रॉपिक यानी कि इसे हम लोग आइडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, जो आइडियाबैटिक प्रोसेस एक प्रोसेस है। ऑप्शन सी है। अब हमने बात किया था कि शुरुआत में कि मोस्ट कंफ्यूजन रहता है होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक प्रोसेस में, तो आइसोट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है कि अगर कोई मटेरियल है, फॉर आइसोट्रॉपिक प्रोसेस हमने एक मटेरियल लिया है, सेम यही मटेरियल अगर सपोज कीजिए ये मटेरियल है, या फिर दूसरे मटेरियल पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, सो इन केस ऑफ आइसोट्रॉपिक प्रोसेस में हमने मटेरियल इधर बनाना है ताकि साफ दिखे, आइसोट्रॉपिक प्रोसेस का कंडीशन देखिए, आइसोट्रॉपिक मटेरियल ये क्या होता है कि अगर हमने एक मटेरियल लिया, ये मटेरियल लिया, तो इस मटेरियल पे किसी भी पॉइंट पे हमने एक पॉइंट दे दिया जिसका नाम ओ है, ठीक है, इस पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन पे इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होगा, यानी कि इस डायरेक्शन पे मान लीजिए ये हमारा डायरेक्शन है फर्स्ट, वही डायरेक्शन हमने लिया जो एक्स एक्सिस, तो ये डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन पे इलास्टिक प्रॉपर्टी हमारा ई है, तो एट एन एंगल अगर हम किसी एंगल पे दूसरा डायरेक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए ये थीटा एंगल पे हमने लिया, सो इस एंगल पे या फिर इस डायरेक्शन पे, ठीक है, इस डायरेक्शन पे भी हमारा इलास्टिक प्रॉपर्टी ई होगा। सिमिलरली अगर अदर डायरेक्शन लेते हैं, ये डायरेक्शन लेते हैं हम इस टाइप से, ठीक, तो यहां भी हमारा इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होगा ई, यहां भी हमारा इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होगा ई, और ई इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ई है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये होता है ई इक्वल्स टू होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो ये प्रॉपर्टी जो है एवरी डायरेक्शंस में किसी भी पॉइंट पे, अगर यहां भी हम पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट पे भी किसी डायरेक्शन पे हमारा जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वह ई ही होता, ठीक है, तो इस टाइप के मटेरियल को हम क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। सो द मटेरियल, इसको डिफाइन करेंगे, द मटेरियल which exhibit same elastic properties the material which exhibit same elastic property at any direction, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन एनी डायरेक्शन, और कह सकते हैं ऑल डायरेक्शन, ठीक है, एनी डायरेक्शन और ऑल डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन
एट ए गिवन पॉइंट। तो इस मटेरियल को क्या कहते हैं? आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ये मटेरियल कहलाएगा आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, द मटेरियल विच एग्जिबिट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। देखिए यही है ये क्वेश्चन, यही पूछ रहा है कि द मटेरियल विच एग्जिबिट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड, क्या कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। तो यही है द मटेरियल विच एग्जिबिट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है जो द मटेरियल विच एग्जिबिट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो ये था आज का क्वेश्चन। जय हिंद।